क्लास 10th के बायोलॉजी में चैप्टर 5 जो आवर इन्वायरमेंट है, और आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कंज्यूमर्स। क्लास 10th में जो आज का टॉपिक जो डिस्कस करना है हम लोगों को ऑनलाइन क्लास में, वो है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के बोलेंगे, कंज्यूमर्स के बारे में कि कंज्यूमर्स जो ऑर्गेनिज्म है, कंज्यूमर्स जो क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड मटेरियल्स को क्लीन करने का, अपटेक करने का, गेन करने का काम करते हैं, तो कंज्यूमर्स किसे कहते हैं, तो अदर ऑर्गेनिज्म के कहते हैं। मतलब अदर ऑर्गेनिज्म से वो क्या करते हैं, वो उसको अपना हंटिंग करने का, शिकार बनाने का काम करते हैं, और उससे जो होंगे कंज्यूमर्स अपने फूड मटेरियल्स को एज ए अपटेक करने का रेडीमेड फॉर्म में करते हैं। हम कहेंगे कि कंज्यूमर्स जो होता है वह कंज्यूमर्स वह फोर टाइप्स के होते हैं। वे जब कहेंगे कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो फोर टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम कहेंगे वो है हर्बीवोर्स, सेकेंड नंबर पे कार्निवोर्स आते हैं, थर्ड नंबर पे ओमनीवोर्स आते हैं, और फोर्थ नंबर पे पैरासाइट्स आते हैं। हर्बीवोर्स जो प्लांट ग्रुप से बिलोंग करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं। कार्निवोर्स में जो मीट प्रोडक्ट्स को फूड मटेरियल्स में लेने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्निवोर्स में आते हैं। ओमनीवोर्स मतलब जो फूड मटेरियल्स को एज ए प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट से लेने का काम करते हैं, या फिर एनिमल्स के मीट प्रोडक्ट से जो फूड मटेरियल्स को लेते हैं, वो सभी ओमनीवोर्स के अंदर आते हैं। पैरासाइट्स की बात करेंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अनदर ऑर्गेनिज्म पे यानी सुटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव भी करेंगे, और साथ साथ उनको क्या करेंगे, तो पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज भी प्रोड्यूस आउट कराने का काम कराएंगे उस होस्ट सेल के बॉडी पे, वो हमारा पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट्स, ये सभी फोर टाइप्स होते हैं किसके, कंज्यूमर्स के। हम बात करेंगे अगर सबसे पहले हर्बीवोर्स का, और एक और चीज है कि होलोजोइक, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच अपटेक देयर, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच अपटेक सॉलिड पीसेस ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू देयर माउथ, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड पीस फूड मटेरियल्स को अपने माउथ में अपटेक करने का, गेन करने का काम करते हैं, वह होलोजोइक नेचर परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। हम बात करेंगे हर्बीवोर्स का, हर्बीवोर्स की बात करेंगे तो वैसे एनिमल्स जो डायरेक्टली रूप में क्या काम करते हैं, तो प्लांट्स को ही फूड मटेरियल्स के रूप में अपटेक करने का काम करते हैं, वैसे जो होते जो ऑर्गेनिज्म वह हर्बीवोर्स कहलाते हैं। रिजल्ट वैसे कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स को परफॉर्म करने वाले जो होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स कहलाते हैं। हम कहेंगे कि हर्बीवोर्स जो प्राइमरी या फिर या हर्बीवोर्स जो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले सनलाइट को ऑब्जर्व करने वाले जो होते हैं एज ए प्रोड्यूसर्स के रूप में, वह हमारा कौन आते हैं, प्लांट्स, और उसके बाद में उस प्लांट्स को फीडिंग करने का जो काम प्राइमरी फॉर्म में करते हैं एज ए फर्स्ट टॉपिक लेवल एज ए फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स के फॉर्म में, वह प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स होते हैं। उसके बाद आता है तो फूड की बात करेंगे तो वैसे एनिमल्स मतलब हर्बीवोर्स एनिमल्स जो क्या करेंगे, जो प्लांट्स को ही फूड मटेरियल्स के रूप में अपटेक करने का, गेन करने का काम करते हैं। और बात करेंगे यहाँ पे तो कैनिन्स का, कैनिन की बात करेंगे तो इनके पास में जो है सो मतलब हर्बीवोर्स एनिमल्स के पास में वेल डेवलप्ड कैनिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेल डेवलप्ड कैनाइन्स होते हैं वह हमारे मतलब कैनाइन का मेन फंक्शन जो होता है वह फ्लेश को टियरिंग करने के लिए होते हैं, और कैनाइन वेल डेवलप्ड फॉर्म में जो होते हैं वो कार्निवोर्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि हर्बीवोर्स में जो होते हैं वो अनडेवलप्ड यानी प्रिमिटिव फॉर्म के कैनाइन्स हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे सेलुलोज का, तो हम कहेंगे कि हर्बीवोर्स जो क्या काम करते हैं, तो जो प्लांट मटेरियल्स लेते हैं, और प्लांट मटेरियल्स में क्या रहते हैं, सेलुलोज रहते हैं, और हम कहेंगे कि इस प्लांट मटेरियल्स को लेते हैं जिसमें सेलुलोज रहते हैं, विच दैट हर्बीवोर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से उस तरह के सेलुलोजिक मटेरियल्स को डिग्रेड करने का, ब्रेकेज करने का काम करते हैं। मतलब कहेंगे कि हर्बीवोर्स जो सेलुलोजिक मटेरियल्स को डिग्रेडेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से मतलब हर बार मतलब सहायता से करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है वह है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होते हैं, और यही लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होते हैं वह क्या करते हैं, तो प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट्स को डिग्रेडेशन कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो आएंगे इसके बाद वो होता है इकोलॉजिकल स्टेटस। इकोलॉजिकल स्टेटस की बात करेंगे तो हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स में मेरा कौन आता है, तो प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स में हमारा कौन सा आ जाएगा ऑर्गेनिज्म, तो हर्बीवोर्स आएंगे, और कंज्यूमर्स के रूप में फर्स्ट प्राइमरी कौन आएंगे, तो हर्बीवोर्स एज ए प्राइमरी कंज्यूमर्स के फॉर्म में आएंगे।
जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल डियर हो जाएगा, गॉट हो जाएंगे, काउ होंगे, एटीसी होंगे, या सभी एनिमल्स मींस दैट वो प्लांट और प्लांट्स के फूड में प्रोडक्ट्स को ही अपटेक करने का गेन करने का काम करते हैं फूड मटेरियल्स के फॉर्म में। अगर हम बात करेंगे कार्निवोर्स का, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका फूड मटेरियल जो होगा वह क्या होंगे, तो अनदर एनिमल्स में वह फीड के लिए, भोजन के लिए डिपेंडेबल होंगे। कार्निवोर्स एक ऐसा एनिमल्स है जो अनदर एनिमल्स में फीड के लिए, फूड मटेरियल्स के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। तो हम कहेंगे कि कार्निवोर्स जो मीट और मतलब मीट प्रोडक्ट्स को फूड मटेरियल्स के लिए रूप में लेते हैं, मींस दैट इनके पास में जो टीथ होता है वो कैनाइन प्रेजेंट होता है, और कैनाइन होता है वो वेल डेवलप फॉर्म के कैनाइन हमारे कार्निवोर्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और या कैनाइन की सहायता से या कार्निवोर्स एनिमल्स से फ्लेश को क्लियर करने का, खींचने का, किसके, प्रे का, प्रे का मतलब होता है भक्षी, और मतलब प्रेडेटर्स का मतलब होता है भक्षक। तो जो हमारा कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वह भक्षक यानी प्रेडेटर्स कहलाते हैं, और जो अनदर इंडिविजुअल्स को खाते हैं वह उनके प्रे कहलाते हैं। हम बात करेंगे अगर सेलुलोज का, तो हम कहेंगे कि एनिमल्स में किसी भी प्रकार का सेलवाल से वो उनका पार्ट्स या फिर कोई भी सेलुलोज मटेरियल्स एनिमल्स के बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। रिजल्ट कहेंगे कि यह कार्निवोर्स जो सेलुलोज मटेरियल को डिग्रेडेशन नहीं करते हैं। अगर हम बात करेंगे इकोलॉजिकल स्टेटस का, तो हम कहेंगे कि कार्निवोर्स होते हैं वो हायर लेवल कंज्यूमर्स के भी नाम से जाने जाते हैं। रिजल्ट कहेंगे यह कार्निवोर्स जो थर्ड यानी स्टिल हायर ट्रॉपिक लेवल के भी नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में लेंगे तो प्लांट्स आएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में लेंगे तो हर्बीवोर्स आएंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स में लेंगे तो कार्निवोर्स आएंगे। रिजल्ट यह कार्निवोर्स जो हायर ट्रॉपिक लेवल के भी नाम से जाने जाएंगे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉग हो जाएंगे, फॉक्स होंगे या फिर लायन होंगे। अगर हम बात करेंगे कार्निवोर्स के क्लॉज का, क्लॉज का मतलब होता है पंजा, तो हम कहेंगे कि कार्निवोर्स एनिमल्स का जो क्लॉज होता है, पंजे जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, और वो क्लॉज की ही सहायता से वह कार्निवोर्स एनिमल्स जो अनदर एनिमल्स को फीडिंग करने का, हंटिंग करने का, और उसे फूड मटेरियल्स के रूप में फीड करने का काम करते हैं। मेजर प्लेस जो अपने करते हैं उसमें कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने वाला जो होता है वो कार्निवोर्स वो क्लॉज ही होते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा तो पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन की बात करेंगे कार्निवोर्स का, तो कार्निवोर के पॉपुलेशन जो कम्प्लीटली डिपेंडेबल होते हैं वह प्ले के पॉपुलेशन पे होते हैं। मिस्टर जितना प्ले के जो है पॉपुलेशन होंगे उसी के अकॉर्डिंग कार्निवोर्स के भी पॉपुलेशन बढ़ेंगे। जैसे जैसे प्ले का नंबर रिड्यूस करता चला जाएगा ऑटोमेटिकली कार्निवोर्स के भी पॉपुलेशन का नंबर रिड्यूस करते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे इस कार्निवोर्स को प्ले नहीं मिलेंगे देना था ये कार्निवोर धीरे 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 वो क्या होंगे ड्रेस्टिकली रूप में वो एस्टिक विलुप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि वो फाइनली डेट जैसे जैसे होंगे उनके जो ईच इंडिविजुअल स्पीसीज होंगी वह भी एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, विलुप्त कर जाएंगे, और फाइनली रूप में इस तरह के एनिमल्स होंगे वह हम लोगों के जो है इस एनवायरमेंट से बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, निग्लिजिबल हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस तरह से यह कार्निवोर्स या फिर हम कह सकते हैं यह हर्बीवोर्स जो मेरा क्या कहलाते हैं, जो स्टेप्स कहलाते हैं, किसके एज ए ट्रॉपिक लेवल के फॉर्म में ऑर्गेनिज थे, किस फॉर्म में एज ए फर्स्ट ऑर्डर के रूप में और एज अ सेकेंड ऑर्डर के रूप में कहलाते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि इस एनवायरमेंट के अंदर जो कंज्यूमर्स टॉपिक के अंदर हम लोग या हर्बीवोर्स और ऑमनिवोर्स का भी डिस्कस करेंगे, और देन आफ्टर हम लोग जो है पैरासाइट्स के भी बारे में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल ये जो टॉपिक्स आपको जो आज हमने पढ़ाया है उसके वीडियो को जो सुने, देन आफ्टर इसके कॉन्टेंट जो भी हैं उसके जो है नोट्स में बायोलॉजी के क्लियर कॉपी में लिखें, और उसके बाद में सारे टॉपिकों को रिमेंबर करें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में